ठीक है, तो ये चीज करके देखो और बता देना जब स्क्रीन विजिबल हो जाए। ठीक है, तो बिफोर गोइंग टू दीज डेरिवेशंस, सबसे पहले आपको ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए कि फिजिक्स में ग्राफ के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। तो बच्चों, ग्राफ के क्वेश्चन में हमें हमेशा दो चीजें करनी पड़ती हैं। ये मैं ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में कल डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पे उसका एक रिवीजन करा रहा हूं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें इन डेरिवेशंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ग्राफ के क्वेश्चन होते हैं दो कैटेगरी के। एक होते हैं वो जिसमें हमें स्लोप पता करना पड़ता है, और एक कैटेगरी होती है जिसमें हमें ग्राफ में एरिया पता करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो एरिया तो आप सब जानते हो कि कैसे निकालते हैं, बट ये स्लोप निकालने में कई लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो मैं स्लोप भी निकालना आपको बता दूंगा कि हाउ टू फाइंड द स्लोप। बट अभी आपको क्या समझना है कि कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, यू ऑलवेज हैव टू डू दीज टू थिंग्स। ये दो बातें ही आप करोगे, या तो आप स्लोप पता करोगे, या आप क्या पता करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ पता करोगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम अमृत? ठीक है, लेट हिम कम। अगर वो कुछ न्यूसेंस क्रिएट करता है तो फिर उसको बाहर कर देना। ठीक है, चलो। तो अब हमें बच्चों पता कैसे चलेगा कि हमें स्लोप कब फाइंड आउट करना है और एरिया कब फाइंड आउट करना है? तो बच्चों याद रखना, स्लोप हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें रेशियो दिखे, अभी मैं समझाऊंगा आपको, और एरिया हम तब फाइंड आउट करते हैं जब हमें क्या दिखे, प्रोडक्ट दिखे। एग्जाम्पल के लिए रेजिस्टेंस, आप सबको पता है कि रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब रेजिस्टेंस रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का। इसका मतलब बच्चों, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ दे दे और आपसे रेजिस्टेंस पूछे बच्चों, तो सिंस रेजिस्टेंस इज ए रेशियो, इसीलिए इस ग्राफ में आप क्या निकालोगे, रेजिस्टेंस निकालने के लिए स्लोप निकालोगे। तो इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो आपको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस दे देता है। और ये आपने शायद क्लास 10th में याद भी किया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेज इलेक्ट्रिक करंट ग्राफ का स्लोप रेजिस्टेंस होता है। अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों। आपने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन बच्चों चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो यहां पे भी आपको दिख रहा है बच्चों कि एक्सीलरेशन इज द रेशियो का टर्म है, तो अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दिया जाए आपको और आपको ग्राफ से पूछा जाए कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ओके, सो वी आर लाइव नाउ। तो थोड़ा सा बच्चों एक टेक्निकल इश्यू आ गया था, तो उस वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था। नाउ वी आर लाइव अगेन। ओके, तो मैं क्या बता रहा था बच्चों, हाँ, ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप सबको मैं समझा रहा था। ठीक है, वो विजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम जिनको भी है वो सदगुरु पब्लिक स्कूल को पिन करेंगे, ठीक, नॉट मी, मेरे नेम से नहीं। अब ध्यान से सुनो, हाँ, तो बच्चों जैसा कि आपको पता है एक्सीलरेशन
वेलोसिटी और टाइम का दिख रहा होगा, रेशियो के फॉर्म में है। तो अगर आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे दे बच्चों, और आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा, तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, दैट्स व्हाई यू हैव टू फाइंड द स्लोप फ्रॉम द ग्राफ। इसीलिए बच्चों ये बात आप याद रखते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एक्सेलरेशन देता है। तो इसको याद रखना होता है बच्चों कि द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन। आते हैं बच्चों दूसरे कॉन्सेप्ट पे, एरिया वाले कॉन्सेप्ट पे। बच्चों जब कभी भी प्रोडक्ट के फॉर्म में चीजें दिखें आपको, तो आपको एरिया फाइंड आउट करना होगा ग्राफ से। जैसे एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप सबको पता है कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक। तो बच्चों यहां से डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो। अब ध्यान से सुनना, तो दिख रहा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेलोसिटी और टाइम का क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है। अब यहीं पे देखो ट्रिक आती है, अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है बच्चों, किसका ग्राफ है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछे, क्या पूछे, डिस्प्लेसमेंट पूछे, तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो जैसे ही प्रोडक्ट दिखा, आप ग्राफ में क्या फाइंड आउट करोगे, एरिया फाइंड आउट करोगे। तो देखो ये था ग्राफ, तो इस ग्राफ के अंडर में देखो ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, दिस एरिया विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखा बच्चों कितना सिंपल सा ट्रिक है, और ये आपके पूरे फिजिक्स में हेल्प करेगा जब कभी भी ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो और ज्यादा मैं अभी इसमें डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ, शॉर्ट में मैं आपको स्लोप निकालना और बता देता हूँ कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो बच्चों स्लोप कैसे निकालते हैं, बच्चों स्लोप को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों सपोज दैट ये आपको एक y एक्सिस गिवन है और x एक्सिस गिवन है, और एक स्ट्रेट लाइन है ऐसे, और आपको इस स्ट्रेट लाइन का क्या बताना है बच्चों, स्लोप बताना है। तो देखो कैसे हम स्लोप निकालते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो बच्चों स्लोप निकालने के लिए ना हमें एक एंगल पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक। तो बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, एंगल मेड बाय द लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। ये होती है बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की डेफिनेशन, कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ये वो एंगल होता है जो स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनाती है एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो देखो बच्चों यहां पे मैं तुम्हें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताने वाला हूं। तो देखो बच्चों ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, देखो ये जो एंगल है ये एंटी क्लॉकवाइज मैनर में है, और देखो किस डायरेक्शन से लिया गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से लिया गया है। तो याद रखो इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बच्चों अगर आपको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन समझ में आ गया, तो जो स्लोप होगा इस लाइन का, दैट इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो बच्चों स्लोप कैसे डिफाइन होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, टेन थीटा से डिफाइन होता है, थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बस इतनी सी बात तुम्हें समझनी है। और बच्चों आप सबको पता है कि tan थीटा इज फर्दर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बच्चों स्लोप हम दो तरह से निकाल सकते हैं, एक तरीका है जिसमें हमें थीटा पता होगा तो हम डायरेक्ट tan थीटा करके आंसर निकाल देंगे, एक तरीका होगा बच्चों जब थीटा नहीं गिवन होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं थीटा इज गिवन एंड थीटा इज नॉट गिवन,
तो बच्चों जब थीटा पता होगा आपको तो उस पर उस कंडीशन में स्लोप होता है टेन थीटा, आप डायरेक्ट यहां से बता सकते हो। लेकिन अगर थीटा पता नहीं है तो आप स्लोप को किस डेफिनेशन से निकालोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस वाली डेफिनेशन से निकालोगे, ठीक है। तो ये कुछ स्लोप से रिलेटेड बातें हो गई। एग्जाम्पल बच्चों मैं इसका मैं कई बार स्लोप बता भी चुका था शायद पहले, जल्दी से देखते हैं बच्चों। जैसे सपोज दैट ये एक लाइन सेगमेंट है या लाइन है जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्स एक्सिस में, तो बच्चों इसका स्लोप कितना हो जाएगा। तो आपको अगर एंगल पता है तो स्लोप होता है बच्चों टेन थीटा, दैट मीन्स टेन 45, यानी स्लोप इसका कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही बच्चों अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे दूं आपको, अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का मैं स्लोप पूछूंगा बच्चों, तो आपको दिख रहा होगा कि दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, और बच्चों दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री होता है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में वो कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो देखो थीटा पता चल गया, इसीलिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप क्या होगा बच्चों टेन 0 डिग्री, और टेन 0 होता है 0। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप हमेशा 0 होता है, क्लियर। ऐसे ही बच्चों वाई और एक्स का ग्राफ दिया है और एक वर्टिकल लाइन दे दी गई आपको, तो देखो बच्चों वर्टिकल लाइन के लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा tan 90, और tan 90 होता है बच्चों इनफाइनाइट। तो वर्टिकल लाइन का स्लोप क्या होता है इनफाइनाइट होता है। तो देखा बच्चों ये कुछ एग्जांपल थे जिसकी हेल्प से आपने स्लोप निकालना सीखा जब आपको थीटा पता होता है। अब देखो कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जब आपको एंगल नहीं पता होता है, तो अगर एंगल नहीं पता है तो कैसे स्लोप निकालेंगे, वो आपको आना चाहिए निकालना। तो देखो अगर हमें एंगल नहीं पता होता तब स्लोप कैसे निकालते हैं, तो सपोज दैट ये एक स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है बच्चों, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, और आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे ग्राफ में। तो सपोज दैट दिस इज सम पॉइंट और दिस इज सम अनदर पॉइंट, तो एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो बच्चों x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों x2 y2। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है तब भी आप स्लोप निकाल सकते हो। देखो कैसे बच्चों, ये बताओ हमें यहाँ पर tan थीटा निकालना होता है, और बच्चों tan थीटा कब निकलता है जब हमें परपेंडिकुलर पता हो और बेस पता हो, किसका, एक राइट एंगल ट्राइंगल का, क्योंकि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पता होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बनाया कुछ इस तरह से। अब अगर तुम देखो प्रॉपरली तो ये वाला एंगल बच्चों क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा, जो है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखो देखो ये हो गया ना इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। अब तुमको यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो बच्चों स्लोप क्या होगा टेन थीटा होता है, जो किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, क्लियर। तो यहाँ पे ये है परपेंडिकुलर जिसको मैं लिख सकता हूँ डेल्टा वाई, जो किसके इक्वल होगा बच्चों y2 - y1 के, और देखो ये है बेस जिसको लिख सकता हूँ मैं डेल्टा एक्स, जो किसके इक्वल होगा बच्चों x2 - x1 के इक्वल होगा। तो देखा अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट्स पता है तो तुमने देखो परपेंडिकुलर निकाल दिया और बेस निकाल दिया, परपेंडिकुलर कितना है y2 - y1 और बेस कितना है x2 - x1। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। तो आप कोऑर्डिनेट की हेल्प से भी स्लोप पता कर सकते हो अगर आपको थीटा नहीं पता है। तो बच्चों ये था ओवरऑल तुम्हारा
स्लोप या ग्राफ से रिलेटेड बातें। तो ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने स्लोप निकालना समझ लिया, अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशंस की तरफ। तो बच्चों ये चीज मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है, आपके ऑफलाइन क्लासेस में भी ये 2 से 3 बार बता दिया गया है और आज मैंने इसे ऑनलाइन क्लास में भी डिस्कस कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लें सब, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं इसको अरेंज करने जा रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे तो वो पूछ दे अभी, ताकि अब हम डेरिवेशन में जा सकें। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया, चलो नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। तो मैं ना इस तरफ वाला पोर्शन इरेज कर देता हूं। चलो बच्चों अब हम चलते हैं अपने डेरिवेशन वाले पार्ट में। तो चलो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों आप सबको पता है कि जो पहला इक्वेशन होता है वो होता है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, इसको हमको डेराइव करना है। ठीक है, चलो इसको डेराइव करते हैं, ऐसे करके हम तीनों इक्वेशन को सेम उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो बच्चों एज्यूम करते हैं कुछ चीजें, लेट अस एज्यूम कि ये है बच्चों देखो एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड जिसमें एक कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर, एंड लेट दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट इट्स मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी यू, लेट इट्स एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द मोशन इज स्मॉल ए। तो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी यू एज्यूम की और एक्सीलरेशन ए एज्यूम किया, अब ये क्या करेगा बच्चों, मोशन करेगा। हाँ ये भी मान लेते हैं कि इसने जब मोशन शुरू किया, मतलब जब टाइम जीरो था उस समय ये किस एक्स कोऑर्डिनेट से अपने मोशन को स्टार्ट करता है, लेट इट स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम एक्स नॉट पोजिशन से शुरू करता है, मतलब ओरिजिन कहीं पीछे था तो ओरिजिन से आगे उसने एक्स नॉट कोऑर्डिनेट से अपने मोशन को शुरू किया। सारी डिटेल्स हमने दे दी, अब हम आगे की डिटेल्स देते हैं। लेट आफ्टर सम टाइम टी, तो बच्चों कुछ टाइम टी के बाद ये कहीं पहुंच जाएगा आगे, लेट इट रीच एट दिस पॉइंट, लेट नेम दिस पॉइंट एज बी एंड लेट से दिस पॉइंट इज ए, डन। ओके, तो टाइम कितना लग गया बच्चों इसमें, टी टाइम के बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच चुका है वेयर इट्स फाइनल वेलोसिटी इज बी। तो इनिशियल वेलोसिटी यू थी, बी पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों, बी। ठीक है, लेट करो इसका जो फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना है, एक्स है। तो हमने देखो सारी बातें बता दी, इनिशियल पोजिशन और फाइनल पोजिशन की, कितने चीजें तुमको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा पहले और इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा, जैसा कि आप एल्जेब्रिक और कैलकुलस मेथड में यही प्रोसेस करते हो। अब हम आते हैं ग्राफिकल पार्ट में, क्योंकि अब हमें देखो बच्चों यहाँ डेरिवेशन करना है ग्राफिकल मेथड से, तो हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो बच्चों चलो ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे। तो देखो बच्चों तुमको वेलोसिटीज पता है, तुमको टाइम पता है, तो यहाँ पे किसका ग्राफ बनाना सुटेबल होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना सुटेबल होगा। तो चलो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। तो देखो यहां पर मैं वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एंड इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को बच्चों दिखा रहा हूं। ठीक है, तो वर्टिकल एक्सिस पे मैंने वेलोसिटी को रखा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम को रखा है। चलो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, तो बच्चों वो कहीं यहां पर होगी, तो लेट करो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू है, यहां से मोशन शुरू हो रहा है बच्चों ऑब्जेक्ट का। फिर बच्चों वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्यों बच्चों कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि ये कंडीशन है कि हमारा मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए, तो कंडीशन है कि एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। तो बच्चों जो इसका ग्राफ बनेगा
क्या बनेगा? देखो वेलोसिटी शुरू में यू थी और फिर वो बढ़ती जाएगी और कुछ बी हो जाएगी, तो जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अब क्यों बनेगा बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये फिर हम कभी डिस्कस करेंगे, ये मैंने ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि क्यों स्ट्रेट लाइन होगा। तो बच्चों ये इसका ग्राफ हो गया और एट टाइम टी इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, वी हो गई। तो ये देखो इनिशियल कंडीशन थी और ये है वो फाइनल पॉइंट जब वेलोसिटी उसकी वी हो चुकी है। तो देखा हमने इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट कर दिया बच्चों। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें यहाँ पे देखना चाहता हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से बना दिया। अब हमें यहाँ पर अपने स्लोप या एरिया वाले कॉन्सेप्ट से पहले इक्वेशन को डेराइव करना है, ठीक है बच्चों? तो देखो बच्चों हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पता है और हमारे एक्सप्रेशन में देखो वेलोसिटी है, टाइम है और एक्सेलरेशन है। तो बच्चों पहला फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि हमको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को रिलेट करना है। तो अभी अभी मैंने तुमको बताया था कि बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहीं से हम शुरुआत करेंगे अपने डेरिवेशन की। तो बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल्स टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों? तो मान लो ये है इस ग्राफ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये लिख सकते हैं ना। चलो बच्चों ये बताओ ये कितना है, परपेंडिकुलर कितना होगा? तो देखो वो कितना होगा, v माइनस यू होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही बच्चों अगर हम बेस पूछे इस ग्राफ का तो वो कितना होगा, टी माइनस जीरो, दैट इज टी। तो देखा हमने बच्चों परपेंडिकुलर निकाल दिया और बेस निकाल दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, दैट इज इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई टी। लगाया ना कंडीशन बच्चों यहां पर, हमको पता है ना टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। अब बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो क्या मिला, AT equals to V minus U, और आप इसी को अगर रीअरेंज करके लिखोगे तो देखो फाइनली आप कहां पहुंच गए, अपने पहले इक्वेशन में पहुंच गए। तो देखा बच्चों कितना सिंपल है डेरिवेशन, अगर आपको बेसिक्स क्लियर है। तो आपने ग्राफ पहले प्लॉट किया वेलोसिटी टाइम का, फिर आपने कॉन्सेप्ट लगाया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, और वहां से फिर हमने डेरिवेशन कर दिया। क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ गया? अब चलते हैं हम दूसरे इक्वेशन के डेरिवेशन की तरफ। तो बच्चों जो सेकेंड इक्वेशन था वो था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसी को डिराइव करना है। चलो अब इसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों हमें फिर से इसी ग्राफ का यूज करना है, बार बार हम नया ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम इसी ग्राफ की हेल्प से ना सारे डेरिवेशंस करेंगे। तो बच्चों मैं इसी ग्राफ को फिर से यही ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों फिर से मैंने वही वेलोसिटी लिया, टाइम लिया, और ये देखो ग्राफ बना दिया। ये थी इनिशियल वेलोसिटी और ये क्या थी बच्चों, फाइनल वेलोसिटी थी, ऐसे ही था, और ये था तुम्हारा ओरिजिन। चलो अब बच्चों हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, और तुम्हें वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया है बच्चों। तो बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा ग्राफिकली, बताएं बच्चों आंसर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? बहुत सही आंसर, एरिया फाइंड आउट करेंगे। अभी अभी मैंने बताया था आपको कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो फाइंड द एरिया। यानी बच्चों हम यहीं पे शुरुआत करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एरिया अंडर वी टी ग्राफ, इसको भी याद रखना सब, यहीं से हम शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है? चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं इसका डेरिवेशन। तो डिस्प्लेसमेंट को लिखें s, और चलो बच्चों एरिया निकालो इसके अंदर।
तो ये क्या है, ये देखो ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है ना, ये है वो एरिया जो इस ग्राफ के अंडर में है। ये निकाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये क्या दिख रहा है बच्चों, एक ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, देख रहे हो ना, ये देखो एक ट्रेपेजियम बन रहा है यहाँ पर। तो बच्चों ट्रेपेजियम की ये वाली साइड कितनी है, यू है, ये वाली साइड कितनी है बच्चों, वी है, और दोनों साइड के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है बच्चों, टी है। तो देखा, ये देखो दो पैरेलल साइड है, एक की लेंथ है यू, एक की लेंथ है वी, और दोनों साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, टी है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालें, तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखते हैं यहां पर, तो वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये होता है फॉर्मूला। चलो लिखें यहां पर, तो बच्चों पैरेलल साइड्स का सम क्या होगा, u प्लस वी होगा, और बच्चों दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, t है, वही तो इस ट्रेपेजियम की हाइट होगी। तो देखो बच्चों हम पहुंच गए, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अगेन वन थिंग बच्चों, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो हमको यहां से इस फाइनल वेलोसिटी को भी हटाना पड़ेगा। तो बच्चों हम सबको पता है कि हमने अभी अभी डिराइव किया है कि v इक्वल टू होता है u प्लस at, तो बस उसको यहां पुट कर दो। तो देखो क्या आ गया, u प्लस at इंटू t हो गया बच्चों। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर दो, आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन कर दिया है यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। ठीक है बच्चों, अब जल्दी से हम थर्ड वाला इक्वेशन डिराइव करते हैं इसी ग्राफ का यूज करके। ट्रिक बच्चों यहाँ पे ये याद रखना है आपको कि बच्चों थर्ड इक्वेशन हमारा है ये, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इसका डेरिवेशन हमें करना है। बच्चों इस वाले का डेरिवेशन पूरी तरह से सिमिलर है इस वाले के, सिर्फ चेंज हमको कहां पे आके करना है, इस स्टेप पे। इसको मैं बच्चों इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। तो बच्चों एक चीज ध्यान रखना, इस वाले डेरिवेशन में सारे स्टेप सेम होंगे अप टू इक्वेशन वन। मैं लिख देता हूं, सेम अप टू इक्वेशन वन, मत कहो इसको, अप टू इक्वेशन ए कह दो इसको, ठीक। तो अप टू इक्वेशन ए इन सेकेंड इक्वेशन डेरिवेशन, एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप ये पूरा डिराइव करेंगे, लेकिन अभी मैं सेम चीज रिपीट नहीं लिखना चाहता वहां पे, इसलिए मैंने ये लिख दिया। अब यहां से शुरू करते हैं बच्चे, तो हम यहां तक पहुंच चुके हैं, u प्लस वी इंटू टी, ये था ना ये इक्वेशन। अब इसमें से देखो बच्चों, हमारे जो इस वाले फॉर्मूले में तुम देखो तो टाइम नहीं हमको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो यहां से हम किसको हटाने की कोशिश कर देंगे, टाइम को हटा देंगे, तो देखो आंसर आ जाएगा। अब बात आती है कि टाइम को हटाएं कैसे, तो बच्चों हमको पता क्या है, v इक्वल टू यू प्लस at, इसी का यूज करना है। तो बच्चों हमको पता है v इक्वल टू होता है u प्लस at, यहां से टाइम निकाल लो और फिर यहां पे पुट कर दो इस इक्वेशन ए में। तो यहां से अगर हम टाइम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, b माइनस यू बाई ए पुट इन इक्वेशन ए। तो अगर आप इक्वेशन ए में इसको पुट करेंगे बच्चों, तो देखो क्या मिल गया, u प्लस बी इंटू बी माइनस यू बाई ए मिल गया बच्चों। अब आप यहां पे देखो, तो ये है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। कहीं कुछ मिसिंग हुआ है क्या बच्चों, हाँ ये देखो हमने यहां पर वन बाई टू को नहीं वहां पे लिखा है, तो इसको यहां पे इंक्लूड करेंगे ना, क्योंकि यहां वन बाई टू था। चलो तो यहां पे भी लगा दें वन बाई टू, और यहां पे भी लगा दें वन बाई टू।
और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, तो देखो फाइनली आप वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as में पहुंच जाओगे, और यही है बच्चों आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का डेरिवेशन। तो देखा बच्चों कितने सिंपल हो जाते हैं ग्राफ के क्वेश्चंस अगर आपको बेसिक्स क्लियर है ग्राफ का, अदरवाइज आप फिर याद करते हो चीजों को। अब मुझे लगता है कि आपको इसे याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको बेसिक्स क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब जल्दी से, और किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। चलो ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने ये डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। पिछली क्लास में बच्चों एक और डेरिवेशन मैंने दिया था, वो था फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो बच्चों फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को भी देख लेते हैं थोड़ा सा। आई एम गोइंग टू इरेज इट, जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो जल्दी से इसको ले लें, ठीक। चलो अब मैं इरेज कर रहा हूं इसे। चलो मैं इस तरफ ही रखता हूं अभी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आपकी नेक्स्ट क्लास की टाइमिंग क्या है बच्चों? What is the timing for your next class? जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में कि कंटिन्यू करना है अभी कि नहीं करना है। प्लीज टेल what is the timing for your next class? Anyone tell the timing for your next class? 10, 10, 10 है ना अभी, तो ठीक है अभी हमारे पास टाइम है, देख लेते हैं फोर्थ इक्वेशन को। बच्चों फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन इसको कहा जाता है वैसे तो, बट ये कोई नया इक्वेशन नहीं है, ये आपका इस सेकेंड इक्वेशन से ही निकल के आता है। तो कई लोग इसको फोर्थ इक्वेशन भी कहते हैं और कई लोग नहीं भी कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको फोर्थ इक्वेशन मान के चलेंगे, ठीक है। बट अल्टीमेटली ये इसी वाले फॉर्मूले से डेराइव होगा। देखो कैसे, इसकी जो हेडिंग थी बच्चों वो थी, इसका जो टॉपिक का नेम था वो था डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग nth सेकेंड ऑफ मोशन, मोशन हो रहा है और किसी पर्टिकुलर सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है बच्चों, वो आपको बताना है। तो बच्चों इसका बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है। देखो मैं पहले आपको लॉजिक समझाता हूं फिर हम डेरिवेशन कर लेंगे, डेरिवेशन कोई बड़ी चीज नहीं है, लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर ये बताओ बच्चों कोई भी पर्सन मोशन कर रहा है, ठीक है, और वो जब लेट करो मोशन शुरू करता है टी इक्वल टू जीरो से, ठीक है, लेट करो वो t इक्वल टू 4 सेकेंड में पहुंच चुका था x इक्वल टू 20 मीटर पर, और स्टार्ट कहां से किया उसने, जीरो से किया मोशन। तो बच्चों अब को 4 सेकेंड उसने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, 20 मीटर कर ली, सीधी सी बात है। लेट करो पांचवें सेकेंड पे एट t इक्वल टू 5 सेकेंड यानी 5th सेकेंड में उसकी जो पोजीशन थी बच्चों वो थी 25 मीटर। तो मैंने फोर्थ सेकेंड पे उसका लोकेशन बता दिया, ये है बच्चों फोर्थ सेकेंड और ये क्या थी बच्चों फिफ्थ सेकेंड पे उसकी लोकेशन। और अब मैं तुमसे अगर बच्चों पूछता हूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड ऑफ द मोशन, तो बताओ पांचवें सेकेंड में